सिर्फ सच। एक बात बताना चाहते साथियों, एक वेटरनरी का डॉक्टर बता रहा, एक वेटरनरी का रिसर्च सेंटर कहता है ये एक जानवर होता है जिस जानवर को कहते हैं घोड़ा, ये घोड़ा क्या करता है। ये हमारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर समाज है तो आदिवासी समाज है, और यही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे 1,65,00,000 हमारे गोंड होए, भील होए, भिलाला होए, कोरकू होए, अन्य होए, आज सबसे पिछड़ी हुई जाति हमारे आदिवासी। जो देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उसका भविष्य अंधेरे में है, कोई मौका नहीं। अभी शिवराज जी की बात कर रहे थे, कह रहे थे झूठ बोलते हैं। भाई वो तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ क्या बोलते हैं, झूठ भी उनसे शर्म करता है। ये 18 साल बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज बिरसा मुंडा जयंती मनाऊंगा। ये कैसी जयंती है? आप ठेकेदार को कह देते हैं तंबू लगा दो, ठेकेदार को कह देते हैं कुर्सी लगा दो, और प्रशासनिक ठेकेदार को कह देते हैं भाई भीड़ भी ले आना, आपके नाम पर इतने बस लिखी हुई है, हर जिले से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं? ये क्या हमारे प्रदेश, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम आदिवासी समाज को देंगे। साथियों, देश में और हर देश में अनादि काल से एक वर्ग वह है जो लूटता है, लूटा जाता है, और एक वर्ग वो होता है जो इन लोगों को लूटता है। एक लूटता है, एक लूटता है, और ये संघर्ष आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है, और यही संघर्ष आज देश में चला हुआ है। विचारधारा का संघर्ष है, एक विचारधारा है जिसने आपको आजादी दिलाई, जिसने बाबा साहब अंबेडकर से कहकर भारतीय संविधान दिया, हजारों साल के शोषण और पीड़ा से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को आगे निकाला, बाहर निकाला, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको हर पद के लिए आरक्षण दिया, और आदिवासियों का जंगल की जमीन पर जो कब्जा था 2005 तक, उसके पट्टे देने का भी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। लेकिन सरकार भाजपा की थी प्रदेश में, उन्होंने लगभग 3.5 लाख आदिवासियों के जमीन का हक, जंगल की जमीन का हक के पट्टे देने की आवेदन निरस्त कर दिए। गुमराह करना, बयान ध्यान मोड़ना, ये कार्यक्रम है, इससे क्या आदिवासियों का सम्मान होगा? आज 18 साल बाद उनको ये बात सूझिए, नाम बदल दो, ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, प्रशासनिक ठेकेदारी का काम कार्यक्रम कर लो, और इससे जनता को गुमराह कर लो। सिर्फ सच।